पीएम मोदी के बर्थडे पर सरकार ने की सौगात, 6 करोड़ लोगों को सीधा फायदा। नमस्कार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 17 सितंबर को 69 साल के हो गए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में पीएम नरेंद्र मोदी के प्रशंसक इस मौके को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी बीच सरकार ने 6 करोड़ से अधिक लोगों को एक खास सौगात दी है। दरअसल सरकार ने प्रोविडेंट फंड की बढ़ी हुई ब्याज दर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस मंजूरी के बाद वित्त वर्ष 2018 और 2019 के लिए पीएफ पर 8.65% की दर से ब्याज मिलेगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार ने मंगलवार को सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। संतोष गंगवार ने कहा कि फेस्टिवल सीजन से पहले ईपीएफओ के 6 करोड़ से अधिक सदस्यों को 2018 और 2019 के लिए जमा राशि पर 8.65% ब्याज मिलेगा। दरअसल ईपीएफओ के लिए निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने पिछले वित्त वर्ष के लिए इस साल फरवरी में 8.65% ब्याज दर को मंजूरी दी थी। इसके बाद प्रस्ताव को मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया था, जिसे मंजूर कर लिया गया था। हालांकि बीच में ये खबरें भी आई कि वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव को मंजूरी देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन अब इन सभी कयासों पर विराम लग गया है। यहां बता दें कि 2017 और 2018 के लिए पीएफ पर ब्याज दर 8.55% की है। ये दर 5 साल में सबसे कम है। इससे पहले 2016 और 2017 में ब्याज दर 8.65% 2016 और 17 में 8.8% थी। 2013 और 14 और 2014 और 15 में कर्मचारियों को 8.75% ब्याज मिला। वहीं 2012 और 13 में 8.5% ब्याज दिया गया था।